आपको भी हद से ज़्यादा मीठा खाना पसंद है? अगर हाँ तो ज़रा सतर्क हो जाएं, क्योंकि मीठे की लत आपकी सेहत के लिए धीमा धीमा जहर है। मीठी चाय, कॉफ़ी, दूध, मिठाइयाँ के रूप में दिन भर की मात्रा से अधिक शरीर में मीठा चला जाता है, जो सेहत के लिए ठीक नहीं है। तो आइए हम आपको बताते हैं कि कैसे धीमे धीमे चीनी शरीर के लिए जहर बन जाती है। नमस्कार, मैं नेहा और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम स्वास्थ्य दरबार। सर्वे की माने तो एक व्यक्ति साल भर में 20 किलोग्राम चीनी का सेवन कर लेता है। इससे पैनक्रियाज में इंसुलिन अधिक बनने लगता है, जिससे कोशिकाओं इंसुलिन प्रतिरोध विकसित करने लगती है और वो ग्लूकोज को संग्रहित नहीं कर पाती। इससे खून में चीनी की मात्रा ज़्यादा हो जाती है। कोल्ड ड्रिंक की एक कैन में करीब 10 चम्मच, टोमेटो केचप में 1 चम्मच चीनी हो सकती है, जबकि हर किसी को सिर्फ 5-10% कैलोरी ही मीठे से मिलनी चाहिए। पुरुषों को रोज़ करीब 150 कैलोरी, जबकि महिलाओं को औसतन करीब 100 कैलोरी चीनी द्वारा लेनी चाहिए। हालांकि चीनी की मात्रा शरीर, वजन, उम्र और बीमारियों के हिसाब से तय की जाती है। मीठा इंसुलिन लेवल बढ़ा देता है, जिससे डायबिटीज़ की संभावना बढ़ जाती है। एक शोध के मुताबिक चीन के बाद भारत में टाइप 2 डायबिटीज़ वाले रोगियों की संख्या ज़्यादा है, जिसका एक कारण अधिक मीठा खाना भी है। अगर समय रहता इसका इलाज ना किया जाए तो 2045 तक यह संख्या 15.1 करोड़ हो सकती है। इसके अलावा इससे ब्लड प्रेशर बढ़ता है, जो हार्ट अटैक का खतरा रहता है। चीनी का अधिक सेवन करने से गठिया का रोग हो जाता है, जिससे जोड़ों में दर्द रहने लगता है और हड्डियां कमजोर हो जाती हैं। अधिक मीठा खाने की वजह से शरीर में फैट जमा हो जाता है और इस वजह से कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है। कोलेस्ट्रॉल बढ़ने के कारण दिल को नुकसान पहुंचता है और हार्ट अटैक जैसी समस्या भी हो सकती है। चीनी धीमे जहर के बराबर है, जो पाचन तंत्र और हार्मोन्स को इम्बैलेंस करती है। वहीं इससे शरीर में इन्फेक्शन और बैक्टीरिया से लड़ने की ताकत भी खत्म हो जाती है। थकान और अल्जाइमर का खतरा बढ़ जाता है। वहीं अधिक मात्रा में चीनी खाने से याददाश्त कमजोर होती है और गुस्सा भी अधिक आने लगता है। आज हमने आपको बताया मीठा हमारे लिए कितना नुकसानदायक हो सकता है। ऐसी और स्वास्थ्य से जुड़ी जानकारी के लिए देखते रहिए स्वास्थ्य दरबार को और रखिएगा अपना ख्याल। धन्यवाद।